राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सियासी चाल चलनी शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट के दबदबे वाली देवली उनियारा विधानसभा सीट से भाजपा ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए विधायक राजेंद्र कुमार को प्रत्याशी घोषित कर मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो पार्टी के लिए एक मजबूती का संकेत है। अब सिर्फ इंतजार है तो इस बात का कि कांग्रेस यहां से किसको उम्मीदवार घोषित करेगी। बाकी एक तो साफ है कि इस बार इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर से जनता दरबार ने खास बातचीत करते हुए उनसे जाना कि देवली उनियारा के लिए उनके पास क्या कुछ योजनाएं हैं। राजस्थान विधानसभा की तिथि घोषित होने के बाद मैं जनता की नजरें टिकटों पर थी कि कौन सी पार्टी पहले टिकट जारी करती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 6 सीटों पर टिकट जारी कर दी है। देवली उनियारा से प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ है। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद आपका साहब, बहुत बहुत। देवली उनियारा में 2 बार हमने देखा है, वहाँ से बीजेपी जीतते जीतते हार गई, और पिछली बार बैसला साहब के बेटे विजय बैसला जी थे और RLP से विक्रम गुर्जर थे, दोनों ही बीजेपी में हैं, और अब आपको टिकट मिला है। सबसे बड़ा सवाल, दोनों का साथ आपको मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखता है, सब हमारे साथ हैं। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पार्टी हमारी, आप जानते हो, संगठित पार्टी है और सभी के साथ मिलकर हम काम करेंगे। मैं सब देवली उनियारा पे सचिन पायलट हरीश मीणा का जो पूरा चक्रव्यूह है उसको कैसे तोड़ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं है। बाकी हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जिस प्रकार का कार्यकर्ता में जोश है, उमंग है, और बूथ का कार्यकर्ता ने तो हमारी अभी कमर कस ली, उन्होंने अभी घोषणा कर दी जीत की, और मेरा ऐसा मानना है कि हम अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता, आप जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, आमजन है, उसकी सबकी भावना है कि भाई राजेंद्र को इस बार विधानसभा में भेजना है। उनका मेरे पर विश्वास है, क्यों, मैं उनके बीच में पहले भी रहा हूँ, इसलिए मैं इतना भी कह सकता हूँ कि उनके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे, ऐसा उनका मानना है। सब ऐसे वो कौन से मुद्दे रहेंगे देवली उनियारा के, हालांकि जो राज्य सरकार के जो भी विकास की जो एजेंडे हैं वो लेके तो ज़रूर सब चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर देवली उनियारा की अगर हम बात करें तो वहाँ कौन से मुद्दे रहने वाले? हमारे पहले बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो बिसलपुर विस्थापित हुए थे उनकी रोड निबनी थी, इरीगेशन डिपार्टमेंट के पास थी, उसको PWD डिपार्टमेंट में हैंड ओवर कर दिया और उसमें 17 करोड़ के रोड बनने थे, वो घोषणा भी हो गई, उसका काम का शुभारम्भ भी कर दिया, शिलान्यास भी कर दिया। और हमारे 33 KV का 32 GSS जो नासिरदा हमारे डूब क्षेत्र था उसका भी कर दिया, अभी पुलिया रोड का काम अभी घोषणा भी हो गई, काम भी चल रहे हैं, स्वीकृतियाँ भी निकल गई। अब तो छोटे मोटे हमारे काम बचे हैं जो हम विधानसभा में सब लोगों से मिल बैठ कर करेंगे, पर ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जो अभी समस्या का, ऐसी कोई बड़ी समस्या है नहीं। 7 सीटों में से शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1 सीट बीजेपी ज़रूर मान रही थी, राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे थे कि सलूमबर 1 सीट ज़रूर बीजेपी जीत लेगी, लेकिन 6 सीटों पे कड़ा संघर्ष रहेगा, और अब जब 6 सीटों पे टिकट की घोषणा हो गई है तो आपके हिसाब से 7 में से कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि 7 हमारी सीटें आए, और पार्टी का भी यही विजन कि भाई हम सब मिलकर 7 सीटें जीतें, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करें और उसको उसका लाभ भी मिलेगा आमजन को, क्योंकि हमारी सरकार है इसलिए लोगों के लिए सुविधा होगी, आसानी होगी, और अगर हमारा हमारा विधायक जीत के जाता है तो आमजन के लोग आसानी से काम करेंगे, सभी को उसका लाभ मिलेगा आमजन को, तो हमारा ऐसा मानना है 7 सीटें हम जीतेंगे। हरियाणा की जीत का कितना असर देखने को? हरियाणा की जीत से उत्साह कार्यकर्ता में, क्योंकि परिस्थितियां आप देख रहे हो कैसी थी, उसके बावजूद भी हरियाणा में हम जीत के आए, 3री बार हैट्रिक लगाई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि इस प्रकार के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो योजना बना के काम किया, सबको साथ लेके चले आम आदमी को, और जहाँ संभव था वहाँ भी संभव किया हरियाणा में, ऐसा भी यहीं आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुर्जर जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि देवली उनियारा सीट का जो भी गणित है, राजनीतिक गणित है, उसे इस बार तोड़ा जाएगा और सचिन पायलट और हरीश मीणा का जो चक्रव्यूह वहाँ पर बना हुआ है उसे भी ध्वस्त किया जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ देवली उनियारा से भाजपा का कमल वहाँ पर खिलेगा। जो प्रमुख जो मुद्दे वहाँ पर थे उनको भी जल्द ही सुलझाया जाए, कुछ एक आध जो मुद्दे थे वहाँ पर वो सुलझा लिए गए हैं, और अब भजनलाल सरकार के विकास के मुद्दों को लेकर देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर जी उतरेंगे, लोगों से टिकट मांगेंगे, और इस बार देवली उनियारा ही नहीं तमाम 6 सीटों को भी जीत कर भाजपा के हाथ मजबूत करेंगे, भजन लाल जी के हाथ मजबूत करेंगे, कहना है देवली उनियारा से विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर का। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।